नीतीश और तेजस्वी यादव को लेकर खबर है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को, कि वो दिल्ली आ रहे हैं। और इससे भी बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई यह है कि ये दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली यहां पर आ रहे हैं। एक ही फ्लाइट से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि दोनों को अलग अलग बैठकों में यहां पर शामिल होना है। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे और इंडिया गठबंधन की बैठक जो कि आज होनी है उसके लिए तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि की यहाँ पर रोल जो है वो प्ले करेंगे नीतीश कुमार। जिस तरह की सीटें उनकी आई हैं, ये वो तस्वीर जो सामने आई है उस फ्लाइट से जिससे दोनों ही नेता जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। हालांकि अब इसके क्या मायने निकाले जाएं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन क्योंकि आज ही ये दोनों महत्वपूर्ण बैठकें होनी हैं तो हो सकता है कि एक वक्त पर पहुंचना है दोनों को, तो इसलिए एक ही फ्लाइट से जो है यहाँ से आ रहे होंगे। लेकिन नीतीश कुमार से उम्मीदें इंडिया ब्लॉक को भी बहुत हैं। हालांकि वो साफ कर चुके हैं, जेडीयू साफ कर चुकी है कि वो एनडीए के साथ ही हैं और एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया, इंडिया गठबंधन की बैठक भी होनी है और इसके लिए जो बाकी पार्टियों के नेता हैं वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र से भी खबर है कि वहां से शरद पवार, सुप्रिया सुले जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो काफ़ी कुछ कहती है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से यहां पर रवाना हुए हैं दिल्ली पहुंचने के लिए। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रशांत, वैसे कई मायने यहां पर निकाले जा सकते हैं इसके, क्योंकि इंडिया गठबंधन को बड़ी उम्मीद है नीतीश कुमार से और उनकी पार्टी से, लेकिन वो तो साफ कर चुके हैं एनडीए के साथ ही हैं। तो इस तस्वीर के कुछ मायने यहां पर निकाले अभी या फिर ये जो है एक जी देखिए ताबिश, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक महज संयोग भी हो सकता है कि एक ही फ्लाइट में दोनों ही नेता दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की, एनडीए की भी और इंडिया अलायंस की, दोनों की आज बैठक बुलाई गई है और दोनों नेता अपने अपने गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन चूंकि जो कल जो चुनाव परिणाम आया है और जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है उस पर आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया गठबंधन को और खासकर कांग्रेस के कई सोर्सेस से हमारी बात हुई कल, उनको ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दो ऐसे नेता हैं, दो ऐसी पार्टियां हैं जिनको इस तरफ भी लाया जा सकता है और सरकार बनाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि इंडिया अलायंस के पास बहुमत से काफी कम सीटें हैं, उतना अरेंज करना उनके लिए शायद मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक आइडिया के तौर पर कई नेताओं का कहना है कि इन लोगों से बात की जाए। तो ऐसे में जो बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली बात है कि एक ही फ्लाइट में दो नेता जा रहे हैं दिल्ली, तो उसको लेकर कयास का दौर शुरू हो जाता है और इस तरह की बातें शुरू हो जाती है कि क्या कोई खास कारण है, ये संयोग है या प्रयोग है। और एक खबर मुझे ये भी पता चली कि विस्तारा की फ्लाइट इसलिए चुनी गई क्योंकि विस्तारा की फ्लाइट में बिजनेस क्लास होता है और उसमें अलग जो इकोनॉमी क्लास है उससे अलग सीटें होती है। तो क्या कोई बातचीत होगी या केवल एक नॉर्मल यात्रा है, ये सब इस पर सबकी नजर रहेगी, कयास जरूर लगाए जाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि महज ये एक संयोग है कि दोनों नेता एक ही फ्लाइट में दिल्ली जा रहे हैं। चलिए, ये संयोग यहाँ पर हो सकता है कि एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन इस बार जेडीयू की स्थिति जो है वो काफी अलग होगी। प्रशांत, क्या बताया जा रहा है, क्या जो है वो वहां पर आकलन है कि नीतीश कुमार क्या बात जो है अपनी तरफ से रख सकते हैं जेडीयू के लिए सरकार में? ये तो बिल्कुल ठीक बात है, नरेंद्र मोदी के लिए ये पहला अनुभव होगा जब वो अपने दम पर उनकी सरकार नहीं बनेगी, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री हो या यहाँ पर। बीजेपी को हमेशा मेजोरिटी आती रही थी और वो अपने दम पर सरकार चलाते रहते, पहला मौका है जब उनको अब अलायंस पार्टनर्स के साथ, अपने सहयोगियों के साथ सरकार चलानी पड़ेगी। अभी से ही इस तरह की बात आने लगी है कि खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वो काफी हार्ड बार्गेन करेंगे सरकार में शामिल होने के पहले, और न सिर्फ अपने मंत्री बनवाएं और अपने मन मुताबिक मंत्रालय लें, बल्कि ये भी खबर आई आज कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही ये चाहते हैं और संभवतः उन्होंने अपनी बात बीजेपी नेताओं तक पहुंचा दी है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो उनकी पार्टी को दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही ये मांग करने लगे तो बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी और जो बाकी बीजेपी का नेतृत्व है उसके लिए कितनी मुश्किल आएगी। तो इस तरह की अभी हार्ड बार्गेनिंग आपको आने वाले दिनों में जरूर दिखेगी। आज एनडीए की बैठक है, उसमें ये देखना होगा कि कौन से नेता क्या अपनी बात रखते हैं। और उसके बाद एक उम्मीद ये भी की जा रही है कि 7 तारीख को, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है,
एनडीए के तमाम जो सांसद हैं उनकी फिर से एक बैठक होगी और उसमें संभवतः नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, लेकिन अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। तो आज एनडीए की बैठक में कौन सा नेता क्या कहता है ये भी देखना दिलचस्प होगा और उससे काफी कुछ संकेत भी मिलेगा। ताबिश प्रशांत, सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है, बिहार में जो बाकी सहयोगी पार्टियां हैं इस बार उनका भी रोल जो है काफी अहम हो जाएगा यहाँ पर, जिस तरह के नंबर्स हैं उनको लेकर क्या खबर है? नहीं देखिए, जब इस तरह की सरकार बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो एक एक सांसद वाली पार्टियां भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिहार, महाराष्ट्र या जहां से भी एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। बिहार में जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी जो खुद अकेले गया सीट से चुनाव जीते हैं, ये दोनों पार्टियां अभी एनडीए में हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव हार गए हैं तो उनके वो एक तरीके से वो बाहर है देश से, लेकिन इन ये तीन पार्टियां हैं जो जब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होगी, अपेक्षाएं होंगी, डिमांड होंगी। कल हमने चिराग पासवान से ये सवाल पूछा था कि क्या वो अभी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उनका ये कहना था कि पहली प्राथमिकता उनकी ये है और एनडीए की भी ये है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लें और एनडीए की सरकार बने और उसके बाद इन सब बातों पर चर्चा बात की जाएगी। लेकिन पब्लिकली कुछ भी कहें, लेकिन साफ तौर पर जब इस तरह की सरकार बनती है तो हर पार्टी की अपनी अपेक्षा होती है, अपनी उम्मीदें होती हैं। जी बिल्कुल, हर पार्टी की अपनी उम्मीदें हैं और अब जब ये बैठक होगी तो उसके बाद ये सामने आएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो अपनी तरफ से क्या बातें यहाँ पर रखती है और किस तरह से ये चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हैं। एनडीए फिलहाल अभी बहुमत के पार है, 293 सीटें उनके पास हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की भी बैठक आज होनी है।